रिसोर्सेज क्या होते हैं स्केयर्स और उनके यूजेस क्या होते हैं ऑल्टरनेट बहुत सारे यूज होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करना इज नोन एज इकोनॉमिक्स अब आते हैं कंज्यूमर कौन होता है कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है इकोनॉमिक एजेंट जो क्या करता है गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है क्यों करता है फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर Want, क्योंकि जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलती है सेटिसफेक्शन तो कंज्यूमर क्या है एक इकोनॉमिक एजेंट है जो गुड्स और सर्विसेज को क्या करता है कंज्यूम करता है क्योंकि उसको क्या मिलती है सेटिसफेक्शन नेक्स्ट आता है कंजम्पशन क्या है कंज़म्पशन एक प्रोसेस है कंज़म्पशन इज अ प्रोसेस और इस प्रोसेस में क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेस को हम कंज्यूम करते हैं क्योंकि मुझे क्या मिलती है सेटिसफेक्शन मतलब कंज्यूम करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं कंजम्पशन ठीक है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज प्रोड्यूसर कौन है हु इज अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर कौन है अ प्रोड्यूसर इज वन प्रोड्यूसर वो है हु प्रोड्यूसेस और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम जो क्या करता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और या फिर बेचता है किस लिए इनकम को जनरेशन के लिए मतलब गुड एंड सर्विसेज बनाते हैं क्योंकि उसको क्या मिलती है इनकम और हमने लास्ट किया था प्रोडक्शन क्या है मतलब रॉ मेटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना यहाँ पे हमने छोड़ा था नाउ फॉर टूडे टॉपिक लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट हमें सीखना है कि सेविंग क्या वट इज सेविंग सेविंग क्या है गाइज हमने सीखा था मैंने तुम्हें बताया था कि इनकम का वो पार्ट इनकम का वो पार्ट जो कंज्यूम होने से रह गया इनकम माइनस कंजम्पशन वो पार्ट जो कंज्यूम होने से रह गया उसको हम क्या बोलते हैं सेविंग क्या बोलते हैं सेविंग द पार्ट ऑफ इनकम ठीक है द पार्ट ऑफ इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर कंजम्पशन कंजम्पशन के बाद जो हमारे पैसे बचे मतलब हजार रुपए थे मेरे पास मैंने पचास रुपए कंज्यूम कर लिए मतलब खर्च कर दिए तो मेरे पास कितने बचे नाइन फिफ्टी दिस इज माई सेविंग क्लियर दिस इज माई सेविंग तो अगर मैं बात करूं वट इज सेविंग सेविंग क्या है इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड वो पार्ट इनकम का जो मैंने कंज्यूम नहीं किया जो मैंने कंज्यूम नहीं किया वो क्या होगी सेविंग नेक्स्ट आता है इस हम छोटी छोटी डेफिनेशन स्टडी कर रहे हैं तो एक और आती है जैसे इन्वेस्टमेंट क्या है सब बोलते हैं मैंने इन्वेस्टमेंट करी यहाँ पे मैंने वहां पर मतलब तो मैंने कोई भी खर्चा किया है टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स ठीक है मैंने कोई भी ऐसी चीज खरीदी है जिससे मुझे क्या मिलेगी इनकम देखो इन्वेस्टमेंट हमेशा क्यों की जाती है टू जनरेट इनकम मैं कहती हूं कि मैंने एक लैंड खरीदी है फॉर वन लैख दैट इज माई इन्वेस्टमेंट क्यों बिकॉज आई मेड एन एक्सपेंडिचर ठीक है मैंने पहले तो खर्चा किया है पहले तो आई मेड एन एक्सपेंडिचर बट जो एक्सपेंडिचर इनकम कमाने के लिए किया जाता है दैट इज माई नोन एज इन्वेस्टमेंट वट इज इन्वेस्टमेंट जो खर्चा पैसा कमाने के लिए किया जाता है उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ठीक है उसको हम एक्सपेंडिचर सिर्फ एक्सपेंडिचर नॉर्मल एक्सपेंडिचर नहीं बोलते हैं मतलब तो जो एक्सपेंडिचर इनकम जनरेट करवाता है उसको हम क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट तो इट इज द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूसर्स करते हैं ठीक है किस लिए फॉर जनरेशन ऑफ इनकम वो कुछ भी एसेट्स वगैरह खरीदते हैं ताकि उनको क्या जनरेट हो इनकम जनरेट हो क्लियर नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? वेट मैं इसको अभी थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन पहले लेते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है देखो वो कह रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मुझे ना सोचना पड़ता है गाइज कि मैं ये करूं लेट आई डू ए और आई डू बी कि मैं ये वाला काम करूं या ये वाला काम करूं और मुझे क्यों सोचना पड़ता है गाइज ऐसा भी होता है मुझे इसलिए सोचना पड़ता है बिकॉज मेरे रिसोर्सेज क्या है अगेन मुझे प्रॉब्लम मुझे चॉइस क्यों करनी पड़ती है मुझे सोचना क्यों पड़ता है मैं बिजनेस ए करूं या बिजनेस बी बिकॉज जो मेरे रिसोर्सेज है मतलब मेरे जो लैंड है मेरे पास लिमिटेड लैंड है लिमिटेड लेबर है मेरे पास पैसे भी लिमिटेड है और मेरे बिजनेस चलाने की मैनेजमेंट स्किल्स भी देखनी पड़ती है तो इन सबको देखते हुए मुझे क्या करनी पड़ती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मुझे चॉइस करना पड़ता है कि मैं अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करूं बिकॉज इसको हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब मुझे चॉइस करनी पड़ती है दैट आई डू ए और बी और चॉइस क्यों करनी पड़ती है बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज रिसोर्सेज क्या है थोड़े हैं और ऑल्टरनेटिव क्या है उनके यूजेस हैं तो इसलिए मुझे क्या करनी पड़ती है चॉइस और उसी को हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ही हम क्या बोल देते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या बोल देते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्लियर है उसके बाद मेरे को बताना था एक्टिविटीज उसके बाद आता है एक्टिविटीज देखो हमारे पास दो तरीके की एक्टिविटीज होती है वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठीक है एंड अनदर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जो भी एक्टिविटीज की गई हैं टू अर्न लिविंग टू अर्न लिविंग लिविंग कमाने के लिए मतलब पैसा कमाने के लिए जो काम किया जाता है दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न लिविंग अगर मैं इसको डिफाइन करूं दैट इज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन एक्टिविटीज विच आर अंडर टू अर्न लिविंग एक्टिविटीज विच आर अंडर टेकन टू अर्न लिविंग इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर है और बात आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है मैम द एक्टिविटीज जो हम सोशल वेलफेयर के लिए यूज करते हैं मतलब जो हम जो काम करते हैं दैट इज फॉर सोशल वेलफेयर दैट इज वो एक्टिविटीज एक्टिविटीज च आर अंडरटेकन जो की जाती है विच आर अंडरटेकन फॉर सोशल वेलफेयर हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है जब जहां हमारा मैन का इनको स्टडी करना है वहां पर जो मतलब सोशल वेलफेयर के लिए जो काम किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है टू अर्न लिविंग लिविंग कमाने के लिए जो की गई उसको क्या बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक दैट इज फॉर सोशल वेलफेयर जो सोशल वेलफेयर के लिए की गई उनको क्या बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनकी एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अन अग ठीक है कुछ कमाने के लिए किया गया दट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक्टिविटीज विच आर अंडर टेकन विच आर अंडर टेकन फॉर सोशल वेलफेयर इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर है अब मैम इसके एग्जाम्पल्स बता दो एग्जाम्पल ले लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब मुझे क्या करना है अल्टीमेटली अर्न करना है ठीक है अर्न करना है और उसके लिए मेरी सबसे पहले मेन अभी हमने सीखा भी है वैसे प्रोडक्शन प्रोडक्शन क्या है मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों मैं प्रोड्यूस क्यों करती हूँ मैं प्रोडक्शन में फैक्ट्री चला रही हूँ वाई आई रन अ फैक्ट्री क्यों रन करती हूँ मैं फैक्ट्री बिकॉज अगर मैं फैक्ट्री रन करती हूँ तो मेरा मेन मोटिव क्या होता है प्रोडक्शन करना और प्रोडक्शन करने का मतलब ही क्या होता है रॉ मेटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना क्योंकि उससे क्या होगा इनकम जनरेट होगी अल्टीमेटली ठीक है अल्टीमेटली क्या होगा इनकम जनरेट होगी तो प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी किसका एग्जाम्पल है इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक है और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोडक्शन के साथ ही एक वर्ड डिराई हुआ हुआ है दैट इज कंजम्पशन हम वो भी सीख चुके हैं वैसे तो वट इज कंजम्पशन वट इज कंजम्पन दैट इज हम क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं किसको गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स एंड सर्विसेज को हम जब यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं तो मेरी सैटिस्फेक्शन क्या हो जाए मैक्सिमम मेरी सैटिस्फेक्शन क्या हो जाए मैक्सिमम उसको हम बोलते हैं कंजाम्शन तो और ये मेन है हमारा तो मतलब हमें याद रखना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जो लिविंग के लिए की जाती है और नॉन इकोनॉमिक वो होती है जो सोशल वेलफेयर के लिए की जाती है क्लियर है ये टॉपिक ठीक है ये हमारी छोटी छोटी डेफिनेशन थी जो मुझे कवर करनी थी एक लास्ट डेफिनेशन हमारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन मैम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है प्रोडक्शन समझ आ गया कंजम्पन समझ आ गया अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन का इस क्या होता है कि मैं इनकम को क्या करूं डिस्ट्रीब्यूट करूं इनकम को क्या करूं डिस्ट्रीब्यूट करूं वो कैसे देखो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया मैंने वहां पे लैंड भी लगाई होगी ठीक है मैंने वहां पे लेबर का यूज भी किया होगा मैंने वहां कैपिटल भी लगाई होगी ठीक है और मैंने वहां पे अपनी स्किल्स भी यूज किए होंगे एंटरप्रेन मतलब मैनेजमेंट भी दिखाई होगी ठीक है लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इसको इकोनॉमिक टर्म्स में हम क्या बोल देते हैं रिसोर्सेज क्या बोल देते हैं रिसोर्सेज अब मेरी इनकम भी तो जनरेट हुई होगी ना तो अगर कोई बंदा अपना लैंड लेबर कैपिटल लगा रहा है तो बदले में कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट भी करेगा तो उस फेज को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो क्या होता है इनकम जनरेट करना मतलब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन इनकम जनरेट करना अब देखो लैंड अब लैंड जिसने लगाई है उसको क्या मिलेगा लैंड के बदले में उसको क्या मिलेगा रेंट जिसने जगह है उसको क्या देना पड़ेगा रेंट लेबर किसी ने वहां पर काम किया है <laughs> किसी ने वहां पर काम किया है तो बदले में उसको क्या बोलते हैं वेजेस दिए जाएंगे जैसे हम सैलरीज वेजेस बोलते हैं ना वैसे ही लेबर को क्या दिए जाते हैं वेजेस कैपिटल मैंने पैसा लगाया अल्टीमेटली मैं क्या चाहूंगी कि मुझे उस पर क्या मिले इंटरेस्ट सॉरी <coughs> और एंटरप्रेन्योर को क्या मिले अल्टीमेटली प्रॉफिट्स क्या मिले प्रॉफिट्स तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना इन द फॉर्म ऑफ रेंट इंटरेस्ट वेजेस एंड प्रॉफिट्स रेंट इंटरेस्ट वेजेस एंड प्रॉफिट मतलब पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना रेंट इंटरेस्ट वेजेस एंड प्रॉफिट की फॉर्म में जो हमने लैंड लेबर कैपिटल लगाई है उनके बदले में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस फेस को हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेस क्लियर है क्विकली रिवाइज टूडे क्लास हमने सीखा सेविंग क्या होता है इनकम का वो पार्ट जो कंज्यूम नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है इनकम कमाने के लिए जो भी खर्चा मैंने किया एक्सपेंडिचर एसेट्स खरीदी किस लिए इनकम जनरेट करने के लिए जनरेशन ऑफ इनकम इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो की जाती है किस लिए टू अर्न अ लिविंग अभी हमने सीखा टू अर्न लिविंग और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन फॉर सोशल वेलफेयर फिर हमने सीखा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है प्रॉब्लम मीन्स हमें चॉइस करनी पड़ती है और चॉइस क्यों करनी पड़ती है क्योंकि रिसोर्सेज क्या है कम है और उनके यूजेस क्या है ऑल्टरनेट है तो हमें क्या करना पड़ता है चॉइस करनी पड़ती है और उसी को हम क्या बोल देते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम With this, your definition section is over. Tomorrow we will be starting with the new topic. Okay, thank you.